यस डियर स्टूडेंट, हम आज की कक्षा शुरू करेंगे। आज आप तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे अपने सिलेबस का, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गिल्लू। यह एक संस्मरण है जो उन्होंने अपने एक कहते हैं कि जो मेरे पालतू पशु पक्षी आदि थे उसमें से गिल्लू एक गिलहरी है, वो किस तरह से महादेवी वर्मा के जीवन में आई, किस तरह से उनके साथ रही, कैसे पालन पोषण किया और किस तरह से फिर अंतिम सांस उनके पास ही ली, कितना उनके साथ अपनापन रहा। वो कहते हैं कि जो मेरा जीव जगत है अर्थात सभी प्राणी जिनको मैंने पाला पोसा है, उनमें से गिल्लू के साथ जो एक लगाव रहा वह किस तरह का रहा, इस संस्मरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इसकी विधा जो है वह संस्मरण है, अर्थात जो आप पढ़ेंगे गिल्लू रचना। अभी तक आपने दो निबंध पढ़े हैं, एक ललित निबंध है और एक दूसरा मनोवैज्ञानिक व्यंग्यात्मक निबंध आपने पढ़ा। अब आप संस्मरण पढ़ेंगे कि महादेवी वर्मा ने गिल्लू गिलहरी के साथ जुड़ी खुद की यादों को इसके माध्यम से आप कह सकते हो शब्द दिए हैं, लिखा है। गिल्लू संस्मरण जो है एक गिलहरी का के साथ जुड़ी हुई यादों का संस्मरण है, और साथ ही इसमें आप यह देखेंगे कि यदि किसी प्राणी को अगर आप स्नेह और प्यार देते हैं तो वह भी आपको उसके बदले में प्रेम और प्यार देता है। तो आइए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण गिल्लू। सोन जूही, देखो इसमें नीचे ना मैंने आपको ये भी दे दिए हैं जो एक मतलब इनके शब्द देखिए एक नंबर लिखा है ना बेटा, तो इस तरह से इसका अर्थ है। जूही जो है पुष्प, यह एक प्रकार का फूल होता है, पीले रंग का फूल है जिसका नाम है सोन जूही या जूही कहा जाता है। मैं आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास का अर्थ होता है बिना प्रयास, अचानक अनायास बिना प्रयास अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा शब्द का अर्थ है हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण का अर्थ है छोटा सा जीव, जिसके अंदर थोड़ा सा प्राण होता है, छोटा सा जीव है। तो जो महादेवी वर्मा है वो क्या कहना चाहती है, यह व्याख्या के लिए भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि मेरे घर में जो पौधे लगाए हुए हैं, जो सोन जूही की बेल है उस पर एक पीली कली लगी है, एक पीला पुष्प खिला है और उसे देखकर मुझे अनायास ही अचानक से बिना प्रयास के उस छोटे से जीव गिल्लू का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। यह लता बहुत गहरी है, इसके हरियाली में छिप करके बैठा रहता था। जैसे ही इस लता के पास मैं पहुंचती थी तुरंत कूदकर मेरे कंधे पर बैठता था और मुझे चौंका देता था। तब मैं इस लता के पास जो है क्या देखने आती थी कि कोई फूल खिला है या नहीं, कली की अर्थात सोन जूही की कली की मुझे तलाश रहती थी। लेकिन आज जो है मुझे उस लघु प्राण अर्थात वह छोटा जीव जो मैंने यहाँ पर ही पाया था, यही खो दिया था, उसकी आज मुझे खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो देखिए महादेवी वर्मा अपनी यादों को साझा कर रही है, गिल्लू से जुड़ी हुई यादों को। अब वो मन में क्या सोचती है कि क्या पता मैं तो सोच रही हूँ कि गिल्लू ही मुझे आकर मिल जाए, पर वह सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, क्योंकि जब भी हम किसी को समाधि देते हैं तो वह जो है उसके जो शरीर के तत्व है पार्थिव शरीर है वह मिट्टी में ही मिलकर मिट्टी बन जाता है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चुकाने ऊपर आ गया हो। और वो मन में सोचते कि जो यह कली एक खिली है या स्वर्णिम अर्थात पीले रंग की, पीले रंग की सोन जूही की कली को उन्होंने स्वर्णिम कली का नाम दिया है कि वही मुझे चुकाने के लिए ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कोवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआ वल जैसा खेल खेल रहे हैं, मतलब चुपके से छूकर छुप जाना। हम इस गेम को पहले भी बहुत खेलते थे। तो कहते हैं कि इस तरह से छुआ छुआ वल
जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित अति अवमानित। अब देखिए यह पंक्तियां भी व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है कि जो महादेवी वर्मा है वह अपनी पिछली याद को किस तरह से वो गिल्लू से मिले थे और किस तरह से उनके जीवन में आया था वो सारी बातें याद कर रही हैं और उसको शब्दों के रूप में ढाल करके यह संस्मरण लिखा है कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएल जैसा खेल खेल, अर्थात गमले को बार बार छू रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तो कहते कि ऐसा कोई खेल खेल रहे थे, मैंने अचानक से देखा तब पता चला। वो फिर वो मन में उसको देख करके महादेवी वर्मा के मन में जो भाव आए वो कहते हैं कि मेरे को लगा कि जो काक भुसुंडी भी एक विचित्र सा पक्षी है, एक साथ समादरित का अर्थ है उसका सम्मान किया जाता है, अनादरित का अर्थ है अवमानित, उसकी अवहेलना भी, अच्छा उसको इग्नोर अनदेखा भी किया जाता है। कारण क्या है, जब समादरित का मतलब क्या है कि जब श्राद्ध आदि में कनागत जब आते हैं तब जब हम अपने पितरों को भोजन देते हैं तो हम यह हमारी यह मान्यता रहती है कि जो कौवा अगर आकर के जो हमने ग्रास रखा है उससे ले ले तो हमारे पितरों ने हमारा जो हमने सम्मान सहित उनके लिए भोजन रखा है वह स्वीकार हो गया है। एक तो यह मान्यता है और दूसरा आजकल तो शायद ऐसा ना हो, पहले मुंडेर पर आकर अगर कौवा बोलता था तो हमें यह लगता था कि आज हमारे घर कोई मेहमान आने वाले हैं तो कौवा काव काम करके भी उड़ जा तो फिर ये लगता है कि कोई कोई ना कोई हमारा अपना सगा संबंधी मेहमान आदि आने वाले हैं। तो इस तरह से कौवे के प्रति बड़ा आदर का भाव हमारे आगे जाता था। अनादरित कौवा कब होता है, जब आप ये देखते हैं कि जैसे कौवा काव काव करे तो हम उसको उड़ा देते हैं, मतलब हमें उसकी काव काव अच्छी नहीं लगती। और हम बचपन से यह बात सुनते भी आए हैं कि जो कोयल है दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, कौवा और कोयल, लेकिन कोयल की आवाज हमें मीठी लगती है, कोयल हमें अच्छी लगती है, अगर वो बोल रही हो कुहू कुहू का स्वर निकाल रही हो तो सभी प्रेम से आनंद से सुनते हैं, जबकि कौवे को सब उठा करके भगा देते हैं क्योंकि इसकी क्या काव काव लगा रखा है। और वैसे भी अगर कोई ज्यादा काव काव कर रहा अर्थात बोल रहा हो तो उसको कहते भी ज्यादा काव काव मत कर, अर्थात महादेवी वर्मा जी सोचती है कि जो काक भुशुंडी अर्थात कौवा जो है वह भी एक विचित्र सा प्राणी है, एक साथ उसे आदर भी मिलता है और अनादर भी मिल जाता है। तो वो इस तरह से उसके बारे में सोचने लगे कि दो कौवे जो है गमले को ऐसे छुआ छुई का खेल खेल रहे थे, मैंने उनको देखा। अब वो उससे जुड़ी बात रख रहे कि हमारे न बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के न हंस के, जैसे मयूर अर्थात मोर, हंस और गरुड़, इन सब ये पक्षी क्या है कि जैसे इन्हें हम आदर का भाव देते हैं, भी बहुत सुंदर होते हैं देखने में, गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, मोर नाचता सुंदर लगता है, और जो आप कह सकते हैं कि हंस है उसके बारे में कह दे जो बिल्कुल पाक पवित्र व्यक्ति है वह जो है उसे हम हंस कह देते हैं, भी हंस जैसा है। तो उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, इतना ही नहीं हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है, दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। जो मैंने ऊपर बताया वही बात इन्होंने लिखी है कि जब पितृ पक्ष होता है तो कौवा ही हमारे यहाँ से वो अन्न ग्रहण करने के लिए आता है, अवतीर्ण होने का अर्थ है अवतार लेना, आना प्रकट होना, और इतना ही नहीं जो हमारे दूर रहने वाले प्रियजन हैं उनके आने का जो मधुर संदेश है ये काव काव करके ही सुनाते हैं, परंतु यदि कौवा काव काव कर रहा हो उसकी आवाज जो है वह हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उसकी अवमानना भी कर देते हैं, उसे यह सोचते हैं कि इसे अब अपने से दूर किया जाए, मतलब यह हमें अच्छा नहीं लगता है। अब क्या कहते हैं, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब महादेवी वर्मा यह बता रही है कि गिल्लू उन्हें कब और कैसे मिला था। कहते कि मैं कौवे के बारे में ही सोच रही थी, काक पुराण का अर्थ है कौवे के बारे में ही अपने विचार प्रकट कर रही थी, उसमें अचानक से बाधा आ गई क्योंकि मेरा ध्यान जो है किसी दूसरी तरफ जा करके लग गया, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं।
अब उन्होंने जा करके देखा, दृष्टि रुक गई, तो जा करके देखा तो एक गिलहरी का बहुत छोटा सा बच्चा है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि शायद वो जो है घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। ये आहार सुलभ का अर्थ है आसानी से प्राप्त होने वाला आहार अर्थात भोजन, कि अब कौवे चोंच मार मार के उसको खा रहे हैं। काक द्वय का अर्थ है दो कौओं का समूह। काक द्वय, देखिए इसका शब्द का अर्थ नीचे लिख दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता दूं, काक द्वय अर्थात दो कौओं का समूह, की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। लघु प्राण अर्थात छोटे से जीव के लिए कौओं ने, जो दो कौओं ने चोंचों से दो दो घाव किए, वह बहुत थे। वह निश्चेष्ट का अर्थ है निष्प्राण जैसा, अर्थात ऐसा लग रहा था कि अब यह बचेगा नहीं, उसमें अब ज्यादा जान नहीं थी, बेहोशी सी अवस्था में वह गमले के चिपका बैठा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। कहते कि जो भी आसपास लोग थे सबने यही कहा कि अब इसे बचाया जाना संभव नहीं है, तो अभी इसे यही रहने दे, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, कौवे इसमें अपना भोजन तो ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन महादेवी वर्मा क्या कहती है कि मेरा मन नहीं माना, उसे होले अर्थात धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन आजकल तो देखिए मरहम बहुत सारी चल पड़ी है, कोई भी घाव आदि को जख्म को भरने के लिए बीटाडीन जैसी, है ना, लेकिन पहले पेंसिलिन का ही इंजेक्शन दिया जाता था या पेंसिलिन का ही मरहम लगाया जाता था। तो महादेवी वर्मा के बारे में यही बताया जाता है कि उन्हें जो है पशु पक्षी जीव जंतु आदि का पालन पोषण करना, पौधे लगाना, ये सब चीजें बड़ी शौक में थी। तो वो सभी प्राणियों को जो भी उनके घर के सदस्य थे, बहुत सी जगह महादेवी वर्मा ने उन जीवों को अपना परिवार भी कहा है, और क्या कहते हैं परिवार के साथ साथ वो उनको यह मानती है कि यह मेरे शरीर का मेरे जीवन का एक हिस्सा है, तो उनकी दवा दारू करने के लिए सारे साधन भी वो घर पर जुटा कर रखती है। तो जैसे ही उस गिल्लू को उठा करके उन्होंने जो है अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछा, घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, तो वो कहती है कि रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल नहीं सका और दूध की बूंदे दोनों ओर भुलक गई। कि मैंने बहुत कोशिश की कि वह थोड़ा सा एक दो बूंद दूध ले इसके बत्ती पतली बत्ती बनाई, दूध से भिगो कर उसके नन्हे से मुंह पर लगाई, पर मुंह खुल नहीं सका और दूध की बूंदे दोनों ओर भुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। महादेवी वर्मा कहती है कि मैंने उसकी सेवा शुश्रूषा करी, उसकी केयर की, उसकी तरफ ध्यान दिया, पूरा उपचार दिया, उसके उपरांत क्या हुआ कि कई घंटे के बाद उसके मुंह के अंदर एक बूंद पानी टपकाया जा सका। पहले वो कुछ ले नहीं पा रहा था, बूंदे जो थी साइड में ढुलक गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके वह स्वस्थ होने लगा। और जैसे ही उसको तीसरा दिन हुआ, वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, आश्वस्त कर से कि मतलब उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत आ गई, जान आ गई, कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। जो गिलहरी होती है उसकी जो आप कह सकते हैं आंखें हैं, ऐसे लगता है नीले कंचे हों, और कहते कि उन आंखों से बड़ी इधर उधर देखने लगा, अर्थात वह स्वस्थ हो गया और अपने दोनों नन्हे पंजों से मेरे हाथ की उंगली को भी पकड़ने लगा। महादेवी वर्मा कहती है कि इस तरह से उसके अंदर धीरे धीरे सुधार हो रहा था और ठीक हो गया। और क्या कहती है कि जैसे मतलब वो उसके बारे में बता रही है, तो जैसे एक अपने बच्चे की कोई कहानी बता रहा हो महादेवी वर्मा, लगभग उसी तरह बता रही है। और जो पाठक है पढ़ने वाला है उसके सामने भी ऐसा लगता है सजीवता से वह सारा दृश्य सामने आ रहा है कि किस तरह से हम गिलहरी को देख रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा है, कौ ने उसको चोंच मारकर घायल कर दिया है, उसको लेके आए हैं, और जैसे उन्होंने यह बात लिखी कि उंगलियां पकड़ते, ऐसे लगता है कि वह हमारे आसपास ही है। गिल्लू के बारे में वो इतने अच्छे ढंग से सजीवता से अपनी यादों को साझा कर रही है। फिर वो कहते हैं कि तीन चार मास में उसके स्निग्ध रोए झब्बेदार पूंछ, स्निग्ध का अर्थ क्या होता है, उसके चिकने जैसे जैसे ना मुलायम जिसको कहते हैं, नरम चिकने रोए झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित अर्थात हैरान करने लगी थी। ये देखिए बेटा, इनको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पांच नंबर लिखा हुआ ना, इसका अर्थ है कि ये पांचवें नंबर, इसका अर्थ ये है,
तो इस शब्द के ऊपर लिखा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये तीन नंबर लिखा हुआ आश्वस्त का अर्थ है निश्चिंत, ठीक है। अब वो महादेवी वर्मा आगे कहती है कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। आप लगभग फर्स्ट क्लास से संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। जातिवाचक का अर्थ क्या है कि वो किस जाति का था, गिलहरी जाति का, है ना। जातिवाचक संज्ञा होगी कि बहुत सारी गिलहरियां हैं, है ना। जाति क्या होगी उनकी, वो गिलहरी की जाति की है। और व्यक्तिवाचक का रूप दे देने का अर्थ है कि हमने उसका एक पर्टिकुलर नाम रख लिया, दे दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, उसका नामकरण कर दिया गया। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में, मतलब हम कहें कि मानव है, मनुष्य है, और अगर हम कहें कि लड़के हैं, सारे लड़के हैं, वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर किसी लड़के का नाम बता दिया जाए कि यह साहिल है, सोनू है, जो भी, तो फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि उसका नाम गिल्लू रख दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। महादेवी वर्मा कहती है कि वह गिल्लू को मैंने बुलाया, गिल्लू बुलाने लगे, वो जो फूल रखने की हल्की सी डलिया अर्थात टोकरी है, उसमें रुई बिछाकर तार से खिड़की पर उसे हमने लटका दिया डलिया को, और जिससे वो बाहर की दुनिया को भी देख सके, स्वस्थ रह सके। और इस तरह से कहते हैं कि हम उसका लालन पालन करने लगे। अब तक आपने पढ़ा कि महादेवी वर्मा जो है सोन जूही की कली के पास जा करके, बेल के पास जाकर के खिली हुई सोनजूही के फूल को या कली को देख करके गिल्लू को याद करती है, और फिर वो बताने लगती है पूरी। अब तक उन्होंने इस तरह से बताया कि किस तरह से गिल्लू उनके जीवन में आया, किस तरह से उनका नाम रखा, और उसकी आप कह सकते हैं लालन पालन उन्होंने किस तरह से किया। अब आगे कहते हैं कि वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर रह जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। महादेवी वर्मा कहती है कि भी मैंने एक झूले की तरह से उसको टांग दिया था, उसकी एक टोकरी जो है उसका घर, और 2 साल तक वो हमारे पास रहा और वही उसका घर रहा, लेकिन झूलता था कांच के मनकों की आंखों से कमरे के भीतर, कभी खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता था, कभी कमरे की तरफ देखता था, और क्या क्या समझता था इस बात का किसी को कुछ नहीं पता, परंतु जो उसके अंदर समझदारी और कार्यकलाप था, मतलब जो काम वह करता था, जो क्रीड़ाएं वह करता था, उसको देख देख करके सबको आश्चर्य होता था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि गिल्लू की जो समझदारी थी वह सबको हैरानी में डाल देती थी,